जो पेमेंट है हर साल ऐसे लटकती है, और अब की बार भी चार महीने मिल बंद हो गया, लेकिन अभी आज तक भी किसानों की पेमेंट रुक रही। आज फिर रुकी पेमेंट को लेकर किसानों की महापंचायत बुलाई थी, उसके बाद फिर हमने मैनेजमेंट बुलाई, मिल मालिक तो आंदे नहीं, यहाँ जो मिल के अधिकारी थे वो आए, उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो अभी समय लगेगा, 1 करोड़ हम रोज़ देंगे, तो कितनी पेमेंट रह रही, 44 करोड़ रह रही, तो 1 रोज़ देंगे, उसमें छुट्टी भी आऊँगी बैंकों की, इस हिसाब से 2 महीने लगेंगे, वो बात हमारे को मंजूर नहीं। हमने उनको कहा भाई आप अलग बैठो एक कमरे में, हम आपको बैठा देते हैं, आप अपने मालिकों से बात करो, या तो हमारी पेमेंट की व्यवस्था करो या मालिकों ने बुलाओ, जब हमारी संतुष्टि होगी तब हम यहाँ से जाएंगे, नहीं हमने इसीलिए रोक रखे वो बैठा रखे कमरे में, भाई आप अपने मालिकों से बात करो, हमारे पेमेंट की व्यवस्था करो, क्योंकि गन्ना हमने आपको दिया और मिल मालिक बैठे दिल्ली में, उसको यहाँ बुलाओ, वो किसानों की व्यथा सुनेगा। हमारे को तो फार्मर्स ने बुलाया था कि आपसे बात करना चाहते हैं, हम 30 अगस्त तक का हमने टाइम दिया है, पेमेंट कर देंगे। उन लोगों ने पूरी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने जो डिसीजन फील किया। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, बैठे हैं। कितने लोग हैं, कितने अधिकारी? 4 लोग हैं, ज्यादा होंगे। क्या बिजली पानी बंद है आपका? नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है, बिजली बंद है बस, पानी की तो अभी जरूरत नहीं पड़ी हमें। हाँ हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट से बात करके हम आए थे, उन्होंने बोला कि चीनी के हिसाब किताब देखते हुए, और आप सारी जगह देख लीजिए, हर जगह पेमेंट्स पेंडिंग है, हमारा तो सिर्फ 20-22 दिन में। कितने मिलों के पेंडिंग पेंडिंग है? बहुत हालत ख़राब है शुगर मिलों की, कोऑपरेटिव्स के हैं हरियाणा में, इसलिए उनका पेमेंट तो हो गया, सरकार ने दे दिया। अच्छा। प्राइवेट्स की तो हालत ख़राब है, लेकिन हम फिर भी हाँ हमने 30 अगस्त तक पेमेंट करने का कहा है। कितने पेमेंट का मामला है आज? 44 में से 1 करोड़ आज चला, 43 रह जाएगा आज भी या नहीं दिया? किसान की वजह से किसी के पास खाद नहीं है, किसी के पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, किसी के बच्चे की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, आप ये नई फसल हम ना तैयार करने के लिए उसकी बंदाई के पैसे देने, लेबर मारे पीछा पीछा फिर रही, किसान मारे मारे फिर रहा, और ये हमारे पैसा बिना ब्याज के बरत रहे, ये किसान के साथ सरासर अन्याय हो रहा, और हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं है, ऊपर से नीचे तक। आप मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से, 4 विधायकों को लेकर मिले, जो इसकी कंस्टिट्यूंसी में 4 विधायक पड़ते हैं, तब भी आश्वासन मिला 10 दिन में आपकी पेमेंट हो जाएगी। कृषि मंत्री से मिले, उन्होंने केंद्र कमिश्नर को बुलाया, उन्होंने कहा आपकी 15 दिन में सारी पेमेंट हो जाएगी, खाली आश्वासन मिल रहा, पेमेंट अभी तक नहीं मिली, और जब तक आप पेमेंट नहीं मिलेगी तब तक किसान यहाँ से जाएगा नहीं, ऐसा किसानों ने उग्र भी हो सकता है, अनिश्चितकालीन चलेगा ये, अगर संतुष्टि नहीं है किसान यहाँ समस्या का समाधान हो रहा है। अधिकारी तहसीलदार साहब, SHO साहब इंद्री आए थे, उन्होंने बातचीत के लिए बुलावा भी भेजा है, अभी उनकी तरफ से भी मैसेज आया है, लेकिन अभी क्या बात करते हैं वो देखते हैं बात करके।